हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं गूगल कैमरा के बारे में। पैरोट करके डेवलपर की तरफ से स्टेबल गूगल कैमरा 8.4 का जो बिल्ड है अवेलेबल हो गया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान पैरोट जीकेम 8.4 का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले है। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। यहाँ पर हमने रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर जीकेम 8.4 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है, कुछ इस तरह से ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है ये जो बिल्ड है दोस्तों, स्टेबल बिल्ड है, गूगल कैमरा 8.4 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जीकेम का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस गूगल कैमरा को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13 के साथ ये जो जीकेम का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। हमने यहाँ पर रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर MIUI 13 को इंस्टॉल किया है। MIUI 13 के साथ जीकेम 8.4 का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। ऐसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। सबसे पहले पर बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में, क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है इस अपडेट के साथ। सबसे पहले पर जो फोटो प्रोसेसिंग UI को यहाँ पर जो फिक्स किया गया है, कुछ इस तरह से पर फोटो सेव करने के बाद जो सेव आइकॉन है देने को मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी फोटो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पर जो सेव आइकॉन है देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस अपडेट के साथ फोटो प्रोसेसिंग UI को फिक्स किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है नाइट मोड के ऊपर, तो यहाँ पर जो नाइट साइड मोड के ऊपर जो है यहाँ पर जो फ्रेम है उसे इंक्रीज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर नाइट साइड मोड के साथ फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। प्लस पिक्सल 7 का जो ऑटो एड बैलेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर मल्टीपल लेंस के साथ जो है आप इस जीकेम की यूज कर सकते हो। पर टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस, मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम करता है, कुछ इस तरह से ये सब जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं इस जीकेम के साथ क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। सबसे पहले यहाँ पर हमने यहाँ पर रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 10 प्रो, पोको F1, पोको X3, MI2 ये सभी डिवाइस के साथ तो इस जीकेम को ट्राई करके देखा है। गूगल कैमरा 8.4 का बिल्ड है, बट यहाँ पर जो है जीकेम 8.7 जैसा कुछ इस तरह से जो मोड्स का जो UI है देने को मिलेगा। यहाँ पर फोटो एक्सपर मोड को ऐड किया गया है। अगर आप गूगल कैमरा के साथ 360 फोटो को क्लिक करना चाहते हो तो ये जो फोटो एक्सपर मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। इस ऑप्शन के साथ सिंपली 360 फोटो क्लिक कर सकते हो। एक बार पैनोरामा मोड को ऐड किया गया है, पर पैनोरामा मोड के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। वीडियो की अगर बात करें, यहाँ पर जो है वीडियो के साथ जो है पर फुल HD 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। पर जो है ऑटो FPS, 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS का ऑप्शन है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर 4K 60 FPS का सपोर्ट है, इस गूगल कैमरा के साथ जो है 4K 60 FPS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर वीडियो स्टेबलेशन के ऊपर जो स्टैंडर्ड, लॉक, एक्टिव, सिनेमेटिक पैन का ऑप्शन है। यहाँ पर टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, 1x, 5x, 10x, 30x, 120x का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर जो है 4K टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो सपोर्ट होना चाहिए। प्लस यहाँ पर जो है स्लो मोशन का ऑप्शन है। यहाँ पर जो 1/4x, 1/8x का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस स्लो मोशन के साथ जो पर फ्लैश का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर जो है रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर स्लो मोशन का जो ऑप्शन से पर काम कर रहा है, यहाँ पर 1/4x का जो ऑप्शन से पर काम कर रहा है। अगर बात करें पर जो 1/8x के बारे में, तो पर जो 1/8x का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपके डिवाइस के ऊपर स्लो मोशन का जो ऑप्शन से अगर काम नहीं कर रहा है, सिंपली यहाँ पर जो है स्टॉक कैमरा की यूज कर सकते हो। एंड इस तरह से ऐसे भी ऑप्शन से नेक्स्ट यहाँ पर जो है कैमरे के साथ ऑटो एड बैलेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पर जो है नाइट साइड मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। टॉप शॉट का ऑप्शन है, पर मोशन फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। टाइमर का ऑप्शन है, 3 सेकंड, 10 सेकंड का ऑप्शन है। पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करें, यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड के साथ भी ऑटो एड बैलेंस का ऑप्शन है। नाइट साइड मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। फेस रिटचिंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर टाइमर का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर नाइट साइड मोड के साथ जो है एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एस्ट्रो फोटोग्राफी के साथ ऑटो ऑफ का ऑप्शन है, पर ऑलवेज ऑन का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। प्लस यहाँ पर जो है ऑटो एड बैलेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। टाइमर का ऑप्शन है, फोकस के ऊपर ऑटो, नियार, फार, इन्फिनिटी, इस तरह से पर जो है मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है जीकेम 8.4 के साथ। नंबर बात कर लेते हैं बच्चे सेटिंग्स मेनू के बारे में। बच्चे सेटिंग्स मेनू को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं सेटिंग्स मेनू के साथ जो क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। सबसे पहले यहाँ पर जो है इस जीकेम के साथ इस तरह से ये सभी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है यहाँ पर फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है
पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जूम का ऑप्शन है, तो पर बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो जूम का ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो यहाँ पर डिसेबल कर सकते हो। डी से P3 कलर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस प्लस मैक्रो लेंस का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। अगर आपके डिवाइस के ऊपर मल्टीपल लेंस का सपोर्ट है, यहाँ पर जो है टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस प्लस मैक्रो लेंस का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है, पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम करते इसमें ऐड किया गया है, यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर जो HDR मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, अगर आप HDR मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो बच्चे फोटो सेव होने में टाइम लगेगा, बट फोटो के साथ जो काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो 25 तक आप फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो, प्लस बच्चे सस्ता फैक्टर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर ऑटो वाइट बैलेंस का ऑप्शन है। यहाँ पर जो पिक्सल 1, पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 3A, पिक्सल 4, पिक्सल 5, पिक्सल 6, पिक्सल 7 का जो ऑटो वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ऑटो वाइट बैलेंस के साथ ऐसे भी ऑप्शन से, प्लस पर छे लिप पैचर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। लिप पैचर के साथ आप सैचुरेशन, LDR बटन, ISO, क्रोमा, लूमा का जो मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली पर जो लिप पैचर के साथ मैनुअल कंट्रोल देने को मिलता है, मैनुअल कंट्रोल कर सकते हो, पर फोटो का जो क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकते हो लिप पैचर के साथ, इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो यहाँ पर नाइट साइड मोड के ऊपर जो फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो, 25 तक आप फ्रेम को इंक्रीज कर पाओगे। अगर आप नाइट साइड मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो जो फोटो सेव होने में टाइम लगेगा, बट फोटो के साथ जो काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिलेगा। प्लस एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर जो 32 सेकंड तक आप जो एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड यूज कर सकते हो। प्लस फोकस सेटिंग्स को ऐड किया गया है, फोकस सेटिंग्स के ऊपर जो नियर फार इन्फिनिटी सेटस है, जो मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो डेवलपर सेटिंग्स का ऑप्शन है, डेवलपर सेटिंग्स के साथ आप नया नया फीचर्स को एनेबल कर सकते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता है। किस तरह से डेवलपर सेटिंग्स के साथ नया नया फीचर्स को एनेबल करते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, आप सिंपली जीकेएम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर ऑडियो जूम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ऑडियो जूम का जो ऑप्शन से, इसे एनेबल करने के बाद वीडियो में जूम करने के बाद बैकग्राउंड में जो भी नॉइस रहेगा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर वीडियो स्टेबलेशन का ऑप्शन है, OIS एंड EIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद आप सिंपली इस गूगल कैमरा के साथ 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर सेव सेल्फीज एज प्रीव्यू का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर मिरर फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर मैनुअल कंट्रोल का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर ग्रिड टाइप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर जो एडवांस सेटिंग्स के ऊपर जो HDR कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ पर रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो एनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड का जो ऑप्शन है, इसे एनेबल करने के बाद जीकेएम के साथ अगर आप कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड करोगे कोई भी नोटिफिकेशन देने को नहीं मिलेगा। डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख पाओगे कितना मिनट तक आप वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, कितना फोटोज को क्लिक कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो गेशेस का ऑप्शन है, पर डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, आप सिंपली पर जो है वॉल्यूम बटन के साथ फोटो को क्लिक कर सकते हो। सोशल शेयर का ऑप्शन, डायरेक्टली जीकेएम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर पाओगे। यहाँ पर गूगल लेंस का सजेशन ऐड किया गया है, कैमरा साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है, सेफ लोकेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ना यहाँ पर जल्दी से कुछ फोटो को क्लिक करके देखते हैं, पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर हम सिंपली HDR इनहांस मोड को एनेबल करते हैं, प्लस जो ऑटो वाइड बैलेंस मोड का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमने HDR मोड प्लस जो ऑटो वाइड बैलेंस मोड का जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर एनेबल किया है। इसके साथ हम फोटो को क्लिक करने वाले हैं, देखते हैं किस तरह से पर फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा इस जीकेएम के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास है Redmi Note 10 Pro डिवाइस, इसके साथ हम फोटो को क्लिक करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है थोड़ा सा ब्राइटनेस को इंक्रीज करते हैं तो आपको और भी अच्छे से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जल्दी से फोटो क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास है Redmi Note 10 Pro डिवाइस, इसके साथ हम फोटो को क्लिक करने वाले हैं। यहाँ पर HDR इनहांस मोड के साथ फोटो क्लिक करने के बाद फोटो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये चीज हमने नोटिस किया है, क्योंकि मल्टीपल फ्रेम के साथ जो फोटो क्लिक करते हैं, एंड अब HDR मोड के ऊपर जो फ्रेम है उसे भी आप इंक्रीज कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है सोशल शेयर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। और कुछ फोटो को जल्दी से क्लिक करते हैं, पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस एंड पर मैक्रो लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इस जीकेएम के साथ, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12 के साथ भी ये जो जीकेएम का जो बिल्ड काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। और कुछ फोटो को जल्दी से क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है MI2 डिवाइस के साथ जो है जल्दी से फोटो को क्लिक करके देखते हैं किस तरह से पर जो है MI2 डिवाइस के साथ जो है
फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। तो हमने पर जो कुछ फोटो को क्लिक किया है ZGCam के साथ, तो देख सकते हो कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। यहाँ पर काफी हद तक जो है नेचुरल कलर देने को मिलेगा। रिलिंग है काफी बढ़िया है, पर जो HDR मोड है, HDR एनहांस मोड है, काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। ओवरऑल आपको काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो है लो लाइट में फोटो को क्लिक करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर एस्ट्रो मोड यूज कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो OIS एंड EIS का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, आपको यहाँ पर बेटर कलर विद बेटर डीलिंग के साथ फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। यहाँ पर फोन कैमरा के साथ यहाँ पर जो सेल्फी के साथ भी काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड के साथ भी आपको काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। यहाँ पर जो है सोशल मीडिया रेडी फोटो देने को मिल जाएगा एंड नेचुरल कलर देने को मिलता है। आप डेफिनेटली इस ZGCam यूज कर सकते हो। इस गूगल कैमरा के साथ आपको काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। एंड फोटो सेव होने के बाद कुछ इस तरह से जो सेव आइकन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड ये जो ZGCam है, ZGCam का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा, वहां पर जाके इस गूगल कैमरा को डाउनलोड कर सकते हो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। ZGCam का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके अलग अलग गूगल कैमरा का जो वीडियो है उसे आप चेकआउट करके देखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।